इस संस्था द्वारा निर्धारित जो शपथ पत्र है उसको भरें, सिग्नेचर करें, अपने ईएमई को रिपोर्ट करें, खुशखबरी, जाइए अपने एम्बुलेंस में चाबी लीजिए और आप एक एक पेशेंट को सर्व करिए, आप लोगों की जान बचाइए। तो मैं पुनः यही निवेदन करूंगा कि वापस लौट आए, आपस में बैठे, कार्य करें। धन्यवाद। भारी भरकम शब्द है शोषण उत्पीड़न, इसमें रोज 15 से 20 लोग अप्लाई करते हैं। जाता है कि इसका मतलब यहाँ पे मरीजों की सेवा से, इसके बारे में आप, हम उनको कहाँ से नौकरी देंगे, हम तो खुद एक प्राइवेट संस्था है। वहाँ कौन कौन है इसमें जो मारने में था? उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से 108 और 102 जो एम्बुलेंस सेवा है उसे कर्मचारी हड़ताल पर है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज हम विस्तार से बात करेंगे प्रदेश के एचआर हेड लिंगराज दास जी से। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और इसके साथ हम पूछते हैं कि 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के कर्मचारी हड़ताल पर हैं जी, क्या है पूरा मामला, इसको मतलब आसान भाषा में आप क्या पूरा समझाएंगे? देखिए, जीवीके हमारी संस्था को शासन द्वारा 3 महत्वपूर्ण सेवाएं 108, 102 और ALS ये संचालन के लिए संस्था को कार्य मिला हुआ है और इसमें हमारे लगभग 23,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, 4,720 हमारी एम्बुलेंसेस हैं। उसमें 108, 102 के अलावा जो ALS सर्विस है उसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट 250 एम्बुलेंस उसमें आते हैं। उस 250 एम्बुलेंस का, क्योंकि हमारा शासन के साथ में टेंडर खत्म हो चुका था, ऐसी स्थिति में शासन ने दोबारा प्रक्रिया के तहत टेंडर किया, उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो नई कोई दूसरी सेवा प्रदाता कंपनी को उन्होंने उसका टेंडर जारी किया। टेंडर जारी करने के बाद में 250 एम्बुलेंस में जो कार्यरत लगभग 950 कर्मचारी हैं, उनके मन में ये संशय की स्थिति उत्पन्न हुई कि उनके रोजगार का क्या होगा जो 950 लोग हैं, और क्योंकि सेवा प्रदाता कंपनी बदल रही है तो उनको किस तरह से क्या होगा, इन बातों को लेकर के एक संशय की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि हमने उनको बार बार ये कहा कि अभी भी जीविके MRI ने उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की है, जब हैंडओवर हो जाएगा तो उनको सेवा शर्तों के अनुसार 1 महीने पूर्व सूचना दी जाएगी। इस बात को लेकर के उन्होंने फिर शासन प्रशासन स्तर पे, श्रम विभाग पे, सब जगह पे अपनी बातें रखी कि हमको कुछ स्पष्ट करिए कि हमारे 1,000 लोगों का क्या होगा, और क्योंकि हमने कोरोना काल में बेहतर कार्य किया है और हमारा सुनिश्चित होना चाहिए रोजगार। इन सब बात को देखते हुए 2 जुलाई और 6 जुलाई को श्रम विभाग में भी वार्ता हुई, जिसमें श्रम विभाग के अधिकारी, जीविके MRI के अधिकारी और नई सेवा प्रदाता कंपनी के अधिकारी और साथ ही साथ शासन के भी प्रतिनिधि, उन्होंने इस बात को रखा, सुना और ये भी उनको आश्वस्त किया कि किसी भी कर्मचारी का रोजगार नहीं जाएगा। यहाँ तक कि नई सेवा प्रदाता कंपनी ZHL ने भी ये आश्वस्त किया कि हम सारे लोगों को ले लेंगे। तो ये उनका मुख्य मांग था। अब क्लियर होने के बाद भी उन्होंने शायद उनको वेतन को लेकर या जो भी उनको आशंका रही होगी, फिर इनकी मांग बदल गई कि हमको सबको अब डायरेक्ट NHM के रोल में हमको नौकरी चाहिए, हमको ना जीविके चाहिए, ना ZHL चाहिए, कोई भी सेवा प्रदाता कंपनी नहीं चाहिए, हमको सीधे शासन स्तर पे हमारी NHM के अंतर्गत हमारी नौकरी नियुक्ति हो जाए जी। इस बात को लेकर के उन्होंने फिर 23 तारीख से धरना प्रदर्शन शुरू किया और फिर हड़ताल उन्होंने 26 तारीख से करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का एक आरोप यह भी लगता रहता है कि आपकी संस्था उनका उत्पीड़न करती है, शोषण करती है, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये भारी भरकम शब्द है शोषण उत्पीड़न, और मुझे लगता है कि हमारे जो कर्मचारी साथी हैं इन शब्दों से भली भांति परिचित नहीं है, इसी वजह से इस तरह की शब्दों का उपयोग करते हैं क्योंकि ठीक नहीं है। हमारे संस्था में पिछले 8 वर्षों से कई हजार कर्मचारी कार्यरत हैं और यदि हम अट्रिशन रेट यानी कि लोगों की नौकरी छोड़ने की जो एक परसेंटेज है उसकी बात करें तो 2% से भी कम है। तो आप इस आंकड़े से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 साल से यदि कोई, सब पुराने कर्मचारी है हमारे, इतना अगर शोषण उत्पीड़न जो शब्द है उसकी अगर परिभाषा में जाए, ऐसा सच में अगर होता तो क्या हमारे साथ इतने लंबे समय से ये हमारे साथ में जुड़े रहते? ये आप आंकड़ा पिछले 8 साल जब से मतलब संस्था यहाँ पे प्रदेश जी, मैं हर महीने की बात कर रहा हूँ कि किसी महीने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी सेवाएं जारी है निरंतर, इवन जो लोग नौकरी छोड़ के चले जाते हैं या जिसकी किसी कारणवश बर्खास्तगी हो जाती है, वो लोग भी पुनः जुड़ने के लिए हमारे गेट में रोज 15 से 20 लोग अप्लाई करते हैं। तो यदि ये इस बात में सच्चाई होती तो मुझे नहीं लगता ऐसी स्थिति कोई निर्मित होती।
कंपनी पर यह भी आरोप लगता रहता है कि उन पर केस बढ़ाने का बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता है। केस का मतलब यहाँ पे मरीजों की सेवा से, इसके बारे में आप क्या कहें? जी, ये हमारे को बहुत बार सुनने में आता है और शिकायतें आती हैं कि हमारे अधिकारियों द्वारा केस बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, इसको पेश करने का तरीका बेसिकली थोड़ा सा गलत होता है लोगों का। इस वजह से ये एक मैं कहूंगा कि समझने की उसकी जरूरत है। यहाँ उत्तर प्रदेश में इतनी भारी जनसंख्या है, हमारे 4,720 एम्बुलेंस कार्यरत है। सर, कोई केस नहीं आया। सीधा सीधा टारगेट वाला बात नहीं, वो लोग कहते हैं वो फर्जी केस करने के लिए बुलाया जाता है, केस करने जाता है, दबाव डाला जाता है। हमारा दबाव है लेकिन दबाव टारगेट का नहीं है। दबाव ये ज्यादा से ज्यादा फर्जी केस करें, क्या आपातकालीन सेवाएं दें उनको, फर्जी केस करने के लिए आप बोल रहे हैं। के लिए हम उनको, मेरी बात करो, मेरी बात करो, उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में अस्पताल ले जाएं, नहीं हो पाएंगे, मेरी बात करो, मेरी बात करो, तो उसको हम जो भी सेवा हमको करने के लिए, आप आइए चाबी ले लीजिए, मेरी बात करो, मेरी बात करो। किसी कर्मचारी को कार्य नहीं करना है या उसको गलत तरीके से पेश करना है तो उसमें शासन कुछ नहीं कर सकती, ना ही संस्था कुछ कर सकती है। ज्यादा केस करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवाएं देने से है, ना कि टारगेट है। कर्मचारियों का एक ये भी आरोप लगता है कि, और वो कहते हैं कि उन्हें वेतन बहुत कम दिया जाता है। देखिए, आपका इस सवाल पे मेरा तो ये सीधा सीधा जवाब है कि वेतन यदि आज के समय में देखें, आज के परिदृश्य में देखें, जो इस आपातकालीन सेवाओं में जितने भी संस्थाएं कार्यरत हैं और उनका जो वेतनमान है उत्तर प्रदेश में, अगर आप कंपेयर करेंगे, सबसे बेहतर मैं मानता हूं जीवीके ईएमआरआई का है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये भी है कि कोई भी कर्मचारी या अभ्यर्थी जब वो हमारे पास में इंटरव्यू के लिए आता है, हमारे एडवर्टीजमेंट के आधार पर भर्ती के लिए आता है, हम उसको स्पष्ट तौर पर हमारी सेवा शर्तें बता देते हैं कि कितने से कितने समय तक के कार्य करना है, कितना उसका वेतन मिलेगा, क्या रहेगा। जब वो सहमत होता है, अपनी सहमति देता है, अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करता है, पूरी दोनों दोनों पक्ष, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि हम किसी को जोर जबरदस्ती नौकरी देंगे, जब वो स्वीकार करता है तो कार्य करता है, और जितने बात में बात हुई है, जो उनको हमने नियुक्ति पत्र दिया है, उस आधार पर वेतन दिया जाता है। इसमें मुझे ये समझ में नहीं आता कि कम क्या है और ज्यादा क्या है। आपका मतलब है कि यहाँ पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं अमूमन जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन या फिर सारी चीजों में, काफी हद तक वो सब चीजें झूठी हैं, गलत हैं, फिर भी लिंक कर्मचारी हड़ताल पर तो अभी हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि मतलब उनको हड़ताल तक पहुंचना पड़ा और ये सारी सेवाओं को बाधित करना पड़ा? देखिए, मैं इसके लिए आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इनके द्वारा एक कर्मचारी संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया गया है और उसमें पूरे कर्मचारी जुड़े हैं, 108 102 LS सारे कर्मचारी एक यूनियन के बैनर में जुड़े हुए हैं। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि इनका मांग पत्र आप देखेंगे जी। बात ये होता है कि वो जीवीके ईएमआरआई के कर्मचारी हैं। अब जीवीके ईएमआरआई एक प्राइवेट संस्था है जी। आप एक प्राइवेट संस्था को मांग पत्र जारी करके ये कहते हैं कि हमको एनएचएम के रोल पे ले लीजिए, हमको सास की नौकरी दे दीजिए, ये कहाँ पॉसिबल है? हम उनको कहाँ से नौकरी देंगे? हम तो खुद एक प्राइवेट संस्था है, हम उनको सास की नौकरी कहाँ से दें? मांग पत्र ही एक तरह से अवैधानिक प्रतीत होता है अगर आप उसको सही ढंग से पढ़ेंगे। अब हड़ताल करने की मुझे कोई मुख्य वजह नहीं दिखती। हाँ, 1000 कर्मचारी की बात को हम भी स्वीकार करते हैं मानवीय आधार पे कि उनका कुछ स्पष्ट होना चाहिए, जो कि शासन ने उनके द्वारा कोरोना काल में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए, यह उच्चस्थ अधिकारियों ने उनको यह आश्वासन दिया कि नए सेवा प्रदाता कंपनी जेडएचएल को भी उन्होंने आग्रह किया और जेडएचएल ने उसको स्वीकार भी किया कि उनको पूरे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सबको नियुक्ति दी जाएगी, किसी का भी बेरोजगारी के लिए उनको झेलना नहीं पड़ेगा। तो ये तो सम्मान ही किया गया है। अब आप अपनी मांगे बदलते रहेंगे तो फिर ये तो अलग ही बात होगी। आप लोगों ने नई भर्तियां स्टार्ट कर दी हैं, शुरू कर दी हैं प्रदेश में अलग अलग जिलों में, फिर उसके बाद जो अभी जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं, मतलब वर्तमान में जो भी आपके कर्मचारी हैं, उनका भविष्य और ये नई भर्तियां, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इसको भी लेके तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं। देखिए, हम तो जीवीके हमारी संस्था की ओर से हम हमेशा सकारात्मक वार्ता पे विश्वास रखते हैं। हम ये विश्वास रखते हैं कि हमारे कर्मचारी, हम आपस में बात करके अगर कुछ, देखिए 23,000 कर्मचारी कर रहे थे और मानव द्वारा संचालित सेवा, कोई मशीन नहीं चला रहा है, और जहां इतने सारे लोग होंगे, छोटा मोटा हल्का फुल्का छिटपुट विवाद होना या किसी तरह का होना ये स्वीकार योग्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको दूर नहीं किया जा सकता।
वो तो आपसी तालमेल से, सही सामंजस्य से बैठ के बातचीत करके ठीक ठाक किया जा सकता है। उसके लिए आप इतनी बड़ी सेवाओं को बाधित करें, ये तो गलत बात है जी। तो हमारा इसमें, जैसा कि आपने कहा कि नई भर्ती प्रक्रिया की बात, 23 तारीख से इन्होंने स्ट्राइक के लिए अनाउंस किया, शांति प्रदर्शन किया, शांति पूर्वक इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, 26 तारीख से गाड़ियां रोक ली। अब हमारे पास में दो ही विकल्प थे, या तो हम गाड़ियों को जहां पे लेके चले गए थे, आपको ये भी बता दूं मैं कि सेवाएं जो है शासन की जो हम चला रहे हैं जीविके हमारी संस्था द्वारा, वो संपत्ति शासन की है। एम्बुलेंस, सारे एम्बुलेंस को कोई खेत में ले जाके रख दिए, कहीं किसी ग्राउंड में ले जाकर के रख दिए, अनाधिकृत रूप से, वो शासन की संपत्ति है और आपातकालीन सेवाएं हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास दो ही विकल्प थे, या तो हम वो जो कर रहे हैं उसको देखते रहते, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते और लोगों को मरने देते रोड पे, या दूसरा था कि उसका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करते और हम सेवाओं को सुचारू करते और लोगों की जान बचाते। तो हमने उसको आधार मानते हुए, लोगों को जीवन को देखते हुए, हमने तो वैकल्पिक व्यवस्था डे वन से स्टार्ट कर दिया, जिसमें शासन प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा और अभी भी हम उसको कर रहे हैं। इस दौरान इस 5-6 दिनों में हमने सारे स्वाभाविक प्रयास किए कि कर्मचारी हमारे पुराने जो ट्रेंड है वो वापस आ जाए। मतलब आपने समय समय पर सूचना उनको दी है? जी बिल्कुल, दिया गया है उनको। हमने ऑडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमने लगातार जारी किया है, सर्कुलर जारी किया है, उनको बार बार अपील किया गया है। लेकिन उनके द्वारा, उनके बीच में कुछ नकारात्मक भाव वाले लोग हैं जो उसको अलग तरह से पेश करते हैं, है ना, और उनको रोकते हैं आने के लिए। तो हमने तो उनको भरपूर मौका दिया है और अभी भी 1 अगस्त तक के, आज 31 जुलाई है, 1 अगस्त तक के हमने अभी भी मौका दिया हमारे पुराने कर्मचारी, जिनकी बर्खास्तगी नहीं हुई है, जो बर्खास्त हो गए, जिनकी नहीं हुई है उनको अभी भी हमने मौका दिया है कि संस्था द्वारा निर्धारित जो शपथ पत्र है उसको भरें, सिग्नेचर करें, अपने ईएमई को रिपोर्ट करें, उनका स्वागत है, आइए मिलजुल के हम काम करें। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को लेकर के आपको हमारे माध्यम से संदेश देना चाहेंगे, आपने हर सवाल का बेहतरीन जवाब दिया। जितनी भी भ्रांतियां चल रही हैं, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, उसका आपने अपनी तरफ से अच्छा आंसर दिया है। आप हमारे माध्यम से अपने कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारे कर्मचारी भाइयों बहनों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सबकी नियुक्ति एक अच्छे कार्य के लिए हुई थी, ये सेवा एक मानव सेवा के लिए हुई है और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हुई है। आप सब ने, जैसा कि आप लोग भी कहते हैं कि कोरोना काल में और भी प्राकृतिक आपदाओं में आपने बेहतर कार्य किया, वो सबको मालूम है, सब स्वीकार करते हैं। इसी वजह से आप कितने, आप उत्तर प्रदेश में कितनी सारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं जो अलग अलग कार्य करती हैं, लेकिन क्या उनका लोगों को जाना जाता है? उनको 108-102 के लोगों का सम्मान है, कोरोना का उनको योद्धा कहा गया है ना, उनको एक कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, सबको विशेष सम्मान दिया जाता है। हम सब जाने ही जाते हैं कि लोगों के जीवन रक्षा के लिए, तो हमारा ये कार्य नहीं है कि हम किसी भी प्रकार के उचित अनुचित मांग जो भी हो उसको लेकर के हम सेवाओं को बाधित कर दें। तो मैं आपके माध्यम से सबको यह संदेश देना चाहूँगा कि आप सब वापस अपने कार्य में आए और संस्था के साथ जुड़ें। आप लोगों ने 8 साल 9 साल से इस संस्था को दिया, यहाँ इतनी मेहनत की, आप लोग जब ज्वाइन किए आपको पूरा प्रशिक्षण दिया गया, उसके बाद इतने वर्षों में आपने न जाने कितनी जिंदगियां बचाई हैं। आप संस्था को इस बात के लिए प्रेरित या मजबूर न करें कि आपको रिप्लेस किया जाए, हम तो चाहते हैं पुराने लोग ही कार्य करें, लेकिन अगर जिद में अड़े रहेंगे तो हमारे लिए भी ये मजबूरी है, क्योंकि सेवा तो चलेगी किसी भी हाल में, चाहे नए चलाएं चाहे पुराने चलाएं। तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनसे अनुरोध भी करते हैं कि निर्धारित शपथ पत्र भर के 1 अगस्त तक के आ जाएं, और हमारे लगभग 12,000 से ज्यादा कर्मचारी वापस लौट भी आए। अच्छा जी, और कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो कुछ ना कुछ कारणवश लोगों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है लगातार संपर्क में वो भी कर रहे हैं, लेकिन कई डरे हुए हैं, कई दूर आ गए हैं तो वापस लौट रहे हैं। तो उन सबके लिए ही हमने 1 अगस्त तक का समय फिर से निर्धारित किया है, निर्धारित शपथ पत्र के साथ में। यदि वो आते हैं, ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, तो उनका स्वागत है। आपकी माध्यम से मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूं कि इसके द्वारा मेरे को कई एक आध वीडियो ऐसे आती रहती है जहां ये अपना कंपेयर हमारे देश के बहुत ही बड़े बड़े देशभक्तों के साथ, शहीदों के साथ अपना कंपेयर करते हैं। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सब के लिए वो अपना कंपेयर करते हैं। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप जरा विचार करें,
आप अपने आप को क्रांतिकारी कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, क्रांति क्या है, आपके विचारों में क्रांति लाए, आप ऐसे क्रांतिकारी हैं, ऐसे देशभक्त हैं कि आप अपने पूरे प्रदेश की जनता को, आपने निर्दोष जनता को सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया और आप हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आप अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, ये तो बड़ा दुखद है। अगर आप सच्चे क्रांतिकारी हैं तो उठिए, जाइए अपने एम्बुलेंस में चाबी लीजिए और आप एक एक पेशेंट को सर्व करिए, आप लोगों की जान बचाइए, तब तो आप सही क्रांतिकारी और सही आप उपाधि लेने के लिए हैं कि आप एक देशभक्त हैं। आज तो उल्टा हो रहा है, आज अगर हमारे पुराने कर्मचारी वापस आ रहे हैं तो उनको गद्दार कह के संबोधित किया जा रहा है। तो मैं तो आप सबको मैं पूछना भी चाहता हूँ हमारे आपके माध्यम से हमारे लोगों को कि गद्दार वो है जो पूरे प्रदेश की जनता को, पीड़ित जनता को सेवा कर रहा है, वो गद्दार हो गया, और जो जनता को छोड़ करके अपनी हट में बैठा है सारी चीजें होने के बाद भी, वो आज देशभक्त हो गया। तो ये तो परिभाषा मेरी समझ में तो नहीं आई। तो मैं पुनः यही निवेदन करूंगा कि वापस लौट आए, आपस में बैठे, कार्य करें। धन्यवाद।